हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए न्यू लिस्ट ऑफ मोस्ट फाइव पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज 2022 का रिएक्शन। एंड ये देखना होगा कि टॉप फाइव इस्लामिक कंट्रीज कौन सी हैं, यहाँ पे कौन सी बताई गई। पावरफुल कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान का भी नाम आ सकता है इस्लामिक कंट्रीज में, और शायद सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, टर्की जरूर हो सकता है। तो ऐसी सारी कंट्रीज का नाम आता है, बाकी दो और कौन सी होंगी वो चीज़ नहीं पता है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताए। और मुझे ऐसे लगता है कि जो ये लोग कंट्रीज़ है, ये पांच कंट्रीज़ है, वो रहती भी साथ में, बड़े प्यार से रहती है और उनको रहना भी चाहिए क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम तो बाकी हो ना हो, पाकिस्तान का नाम तो होगा ही होगा, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि किस बेसिस पे इन्होंने बोला पावरफुल, इन द सेंस कि पावर के बेसिस में, लाइक आर्मी के बेसिस पे, इस बेसिस पे, या फिर इकोनॉमिक के बेसिस में। अगर देखो इकोनॉमिक के बेसिस पे है बताया, तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। बाकी अगर आर्मी की बेसिस से बताए तो हाँ, फिर पाकिस्तान का नाम जायज़ है आना। बाकी वो एक्चुअल में हमें वीडियो को देखकर ही पता लगेगा कि किस बेस पर इनको पावरफुल बोल रखा है। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही तो देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नासरीन मोहतरम, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन पांच ममालिक की जो फौज और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फौज ताकतवर और हैं, टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान ताकत के लिहाज से उन सब में कहा जाता है। दोस्तों, हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग पहले माना बात करते हैं जाता सऊदी है। अरब के सऊदी बारे में। अरेबिया, ये अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है। अच्छा यानी कि हाँ, सऊदी अरब दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। सऊदी अरब वाह। की एक्टिव फौज की तादाद 3 लाख और रिजर्व फौज की तादाद 2 लाख है। कुल मिलाकर फौज की तादाद 5 लाख है। सऊदी अरब का दिफाई बजट 72 बिलियन डॉलर सालाना है। आलमी फौजी ताकत की मनसूबाबंदी में सऊदी अरब 17वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब की फौज के पास 1300 टैंक्स हैं, तोपों की तादाद 1900, सऊदी अरब कुकार में मेनली तोपों की पूरा तादाद अपना 800 अरेबिया में और पूरा मल्टी फोकस रॉकेट बनाना सिस्टम चाहता 120 की तादाद में मौजूद हैं। अगर पूरा अरब नॉस्टिक रीजन के मिसाइल अंदर। की बात की जाए तो सऊदी अरब के पास चीन का दिया हुआ DF-3 मिसाइल है। इसके अलावा दूसरा मिसाइल DF-21 है। नसरिन मोहतरम, ये भी मिसाइल चाइना की मैन्युफैक्चर है और इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल के हवाले से कोई मालूमात सऊदी अरब की जानब से फ्राहम नहीं की गई, लेकिन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब का पाकिस्तान से बाबर मिसाइल का इरादा खरीदने का है, जबकि टेक्निकल मिसाइल में से अमराम-2 नामी मिसाइल सऊदी अरब के पास पहले से ही मौजूद है, जो कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। नंबर 4, मिस्र। इसकी एक्टिव तो फोर्स की तादाद 40,000 और रिजर्व फोर्स की तो तादाद 5 लाख है, जबकि टोटल कुल मिलाकर फोर्स की तादाद 9,40,000 है। इसका बजट 14 बिलियन डॉलर और इजिप्ट भी देखा जाता है इसराइल से दो बार या दो या तीन बार और हार चुका है। 15 नंबर पर दिया गया है। मिस्री फौज की आर्मी के पास 4600 टैंक हैं और तोपों की तादाद 2300 है, और खुदकार निज़ाम से चलने वाली तोपों की तादाद 900 है। मिस्र के पास छोटे बड़े हेलीकॉप्टर की टोटल तादाद 305 है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 660 में ब्लास्टिक मिसाइलों में से मिस्र ने रूस और शुमाली कोरिया से कुछ मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 300 से 700 किलोमीटर है, जबकि टेक्निकल मिसाइल में से फ्रांस के पास फ्रॉग और M2 मिसाइल मौजूद हैं, जो अमेरिका और रूस के साथ मिलकर बनाए गए हैं, जिनकी टोटल तादाद 300 के लगभग है। नंबर 3, ईरान। इसकी एक्टिव फौज की तादाद 6,10,000, जबकि रिजर्व फौज की तादाद ईरान को सऊदी अरब के टक्कर में चीजें करनी पड़ती हैं। टोटल तादाद 9,60,000 है। बजट 20 बिलियन डॉलर है। आलमी दुनिया में ईरान की रैंकिंग 13 है। ईरानी आर्मी के पास टैंकों की तादाद 1360 है और तोपों की तादाद 3,700 है, जबकि खुदकार निज़ाम से चलने वाली तोपों की तादाद 635 है। ईरानी फौज में हेलीकॉप्टर्स की तादाद 2,012 है, जबकि मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम 580 हैं। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ज़्यादातर ईरान ने मिसाइल खुद शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। मैदान जंग में टैक्टिकल मिसाइल की बात की जाए तो ईरान के मिसाइल जिलजलाल की रेंज 60 किलोमीटर है, जिलजलाल-2 की रेंज 200 किलोमीटर है और जिलजलाल-3 की रेंज 250 किलोमीटर है। अगर क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो ईरान के पास एक ही क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सोमार बताया जाता है। इसने ये मिसाइल खुद रूस की मदद से तैयार किया है। सोमार नामी ये मिसाइल 2,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है।
दोस्तों कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल की बात की जाए तो रॉद 150 किलोमीटर, सहाब 1300 किलोमीटर में से ये टॉप 5 में से दो कंट्रीज आपस में लड़ रही से लेकर 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। दोस्तों अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात की जाए तो शुमाली कोरिया से खरीदे गए हवासंग 10 3000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। हवासंग 12 3800 से लेकर 6000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। सैजल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर है। और समुद्री जहाजों और बड़ी बेड़ों को तबाह करने वाले मिसाइल की बात करें तो खलीजे पारस एंटी शिप मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करते हैं। नासरीन मोहतरम ज़राए के मुताबिक आने वाले वक्त में ईरान साहब 5, साहब 6 और कोस्टर नामी मिसाइल तैयार करेगा। नंबर 2 तुर्की। दोस्तों तुर्की की एक्टिव फोर्स की तादाद 3,35,000, रिजर्व फोर्स की तादाद 3,80,000 और इस हिसाब से टोटल फोर्स की तादाद 7,15,000 है। डिफेंस बजट $24 बिलियन है। आलमी दुनिया की दर्जाबंदी में तुर्की को 12 नंबर पर रखा गया है। तुर्की फोर्स के टैंक्स की तादाद 3,460 जबकि तोपों की तादाद 1,650 है। खुदकार निज़ाम से चलने वाली तोपों की तादाद 1,370 है। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 460 है जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570 है। टैक्टिकल मिसाइलों की अगर बात की जाए तो तुर्की के पास बड़ा मिसाइल जो तुर्की को अपनी प्रोडक्शन है जो 360 किलोमीटर तक मार करता है। अमेरिका से हासिल टर्की का भी मेनली यही है कि वो कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस जताना चाहता है, करता है। तुर्की का अपना तैयार करता है मिसाइल पाकिस्तान का, अगर होगा तो पाकिस्तान तो इंडिया के लिए करता है, तक मार कर सकता है। प्लास्टिक मिसाइल में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए सऊदी अरब पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए 900 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए और अपने को बचाने के लिए तुर्की अब अपनी टेक्नोलॉजी को तेज से तेज तर कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बोला मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक करने जा रहा है। इसमें वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसमें हैरान कुन बात की है कि ये मिसाइल एटमी हथियार भी लेकर जा सकता है। अब दुनिया में इस बात से परेशान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं तो फिर एटमी मिसाइल क्यों। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा जिसे इसराइल ने अमेरिका से हासिल की। सऊदी अरब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदेगा, लेकिन इन बातों में किस हद तक सच्चाई है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरफ से आज तक तरतीब नहीं हुई। नंबर 1 पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया की अखलौती न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया की छठी बड़ी ताकत है और पाकिस्तान के पास तकरीबन 140 से 170 तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आलमी माहरीन ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान जिस रफ्तार से आलमी हथियार बढ़ा रहा है उस हिसाब से आने वाले कुछ सालों तक फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा। इसके हिसाब से 250 के करीब एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज है जबकि दुनिया की पांचवीं बड़ी फौज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौज की तादाद 10,50,000 है। पाकिस्तान के पास नंबर्स में तो पाकिस्तान इंडिया के भी पीछे है, यूएस के पीछे, चाइना के पीछे। दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और काबिले फख्र बात है कि पाकिस्तान ये मिसाइल खुद बनाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरनाक मिसाइल हबाबील मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी MIRV है। ये हवा में उड़ने के बाद 8 मिसाइल्स में तब्दील हो जाता है और ये 8 मिसाइल्स अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए अलहदा सिमतों में बिखर जाते हैं। पाकिस्तानी फौज के पास 3,200 टैंक्स हैं और 2021 तक 500 मजीद टैंक्स पाकिस्तानी फौज में शामिल हो जाएंगे। नसरी मोहतरम तोपों की तादाद 2,200 है जबकि खुदकार निज़ाम से चलने वाली तोपों की तादाद 812 है। पाकिस्तान के पास 207 ऐसी तोपें हैं जो एटमी गोला फायर करने की सलाहियत रखती हैं। ऐसी तोपें दुनिया में सिर्फ 5 मालिक के पास हैं, यानी भारत के पास भी कोई ऐसी तोप नहीं है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 411 से ज़ायद है जबकि हेलीकॉप्टर की तादाद 500 से ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास हाथफ मिसाइल जो कि 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है, नसर मिसाइल जो 700 किलोमीटर तक मार कर सकता है, अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर, शॉर्ट रेंज मिसाइल में से M11 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करता है, गजनवी 300 किलोमीटर तक मार पर ये लोग मेनली जिन-जिन से शाहीन वन लेते हैं, रशिया चाइना अमेरिका से 900 किलोमीटर है। दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में से गोरी 1 की रेंज 1500,
गौरी 2 की रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। और सबसे खतरनाक मिसाइल अबाबील है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। दोस्तों अबाबील मिसाइल की टेक्नोलॉजी MIRP है जो कि दुनिया में अब तक बहुत कम ममालक के पास है और पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों अगर क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बाबर 1 क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। नसीम ये सब मिसाइल ही एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों आखिर में आते हैं दोस्तों आलमी माहरीन एक अरसे से इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान बैन अलबरियासमी मिसाइल टीपू जिसकी रेंज 5500 से 6000 किलोमीटर है, जबकि तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर है 2001 में शुरू करने के बाद 2012 में मुकम्मल कर लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइलों के होने का भी कोई इनकार नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान को कमज़ोर मुआशी हालत की वजह से अमेरिका से पाबंदियों का डर रहता है और अगर पाकिस्तान 1500 से 2200 किलोमीटर का मिसाइल बनाता है तो इसकी रेंज में पूरा भारत आ जाता है, जबकि 6000 किलोमीटर तक मार करने वाले टीपू मिसाइल इंडिया से भी बहुत दूर कई मील तक ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की ज़रूरत इन्हीं मिसाइलों से पूरी हो जाती है तो फिर 8000 से 10000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के बारे में पाकिस्तान आलमी दुनिया को कहां वजाहत पेश करेगा कि ये मिसाइल क्यों और किस लिए बनाए गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी और इसमें मैक्सिमम वही कंट्रीज़ थी जिसको हम लोगों ने सोचा था कि आएगी, और लेकिन लाइक मुझे नहीं पता था कि ऐसे इजिप्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है वो भी उसमें आए। लेकिन मेरे लिए मतलब पाकिस्तान का मेरे को सबसे अच्छा उनका कहते हैं ना बेसिकली हथियार वो लगा कि जो मतलब कि बेसिकली एक चीज़ थी रॉकेट टाइप था वो, और जो ज़्यादातर उसकी 8 मिसाइल्स बन जाती थी, तो यार बेसिकली वो दुश्मनों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर मेरा मानना ये है कि ठीक है आर्मी के लिए तो देखो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं चाहती हूँ कि यार आर्मी से रिलेटेड तो पाकिस्तान पावरफुल हो ही, लेकिन एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो, बहुत वहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी हद तक बढ़े, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके डेवलपमेंट हो, लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे, क्योंकि आदि जो बेसिकली पाकिस्तान की जनता है आवाम है वो अनएम्प्लॉयड ही है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर आप चाहते हो कि आपका देश तरक्की करे और उसके पास पैसा आए तो ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि कोई भी देश की डेवलपमेंट हो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी इकोनॉमी, ठीक है। अगर बेसिकली पाकिस्तान की जनता को बोलते हैं ना कि वो ही नहीं मिलेगी, पैसा ही नहीं मिलेगा, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी, तो वो मतलब आगे देश कैसे बढ़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ जितना हो सके वो लिटरेट भी हो और उनको आधे से ज़्यादा जो जनता है वो एम्प्लॉयड हो ताकि मतलब तरक्की हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना हो सके जो ये इनके वेपन्स है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो, मतलब सिर्फ ये हो कि हाँ हमारे पास है, ये यूज़ ना आए, क्योंकि इसमें ठीक है कहते हैं ना कंट्रीज़ की लड़ाई के बीच में जो बेसिकली इनोसेंट लोग होते हैं ना वो मर जाते हैं जिनका कोई मतलब ऐसा कसूर भी नहीं होता है, तो फिर वही सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। और इसमें छोटे छोटे बीवी बच्चे मर जाते हैं, बीवियाँ मर जाती हैं, किसी का पति मर जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है। बाकी यही चाहती हूँ मैं तो ये वर्ल्ड बहुत ही बेटर प्लेस बन सके भाई। और साथ में देखा जाए तो जो कंट्री से नाम लिया गया था लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, वो सब अपनी पावर इम्पोज करने के लिए लाइक अरेबियन पूरे उसमें, और जैसे हमने देखा हुआ है सऊदी अरेबिया और ईरान की पूरे टाइम लड़ाइयाँ चलती रहती है, नॉट डायरेक्टली लड़ाइयाँ नहीं चलती पर इनडायरेक्टली लड़ाई चलती रहती है, जैसे यमन में उनकी लड़ाई चल रही होगी या फिर दूसरे दूसरे सीरिया में उनकी लड़ाई चल रही है, लाइक एक को कोई सपोर्ट करेगा एक को कोई और सपोर्ट करेगा इसी तरीके से। क्योंकि जब वो बात बताई उन्होंने कि लाइक सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस बजट है वो चाइना और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, तो वो बहुत शॉकिंग थी बिकॉज सऊदी अरेबिया उतने कोई आर्मी मैन है नहीं, उतने लोग नहीं है, तो उसके मतलब वो जो मेन पैसा उनका जो लगता है वो बाहर की फंडिंग में ही ज़्यादा लगता है और फिर महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने में लगता है, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इसलिए इतना नहीं बोलता सऊदी अरेबिया क्योंकि वो उनसे ही खरीदते हैं सामान, तो उनको भाई प्रॉफिट आ रहा है तो फिर बिजनेस में कुछ भी चलता है वो वैसी चीज हो जाती है। और बाकी इजिप्ट का जाता हो गया तो वो इसराइल के तौर पे करता है, पाकिस्तान का हो गया वो इंडिया के तौर पे थोड़ा करता है और साथ में अफगानिस्तान के तौर पे, तो उस तरीके से हर एक का अपना अपना एक मोटिव है और उसी लिए वो अपनी कहीं ना कहीं आप कैसे तो पावर बढ़ाते जा रहे हैं। वरना बहुत सारे ऐसे कतार हो गए, ओमान हो गए, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने में बहुत अच्छा करते हैं लाइक बहुत अच्छे कमाते हैं, लेकिन वो अपनी आर्मी इतनी बिल्ड नहीं करते बिकॉज उनका उस तरफ से इतना ज्यादा एक कह सकते हैं एक मोटिव नहीं है वो चीज को बढ़ाने का। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।